से कृतिश जायसवाल आज सपा कार्यालय में आए हुए हैं। जो काफ़ी लोग यहाँ पे प्रत्याशी जो है अपनी बातों को रखने के लिए आए हुए हैं और सब जो है अपने सपा नेता से मिलने भी आए थे अखिलेश जी से, और नए वर्ष की शुभकामना भी दे रहे थे। वहाँ पे आज ही हमारे एक सचिव हैं लड्डन नेता जी, राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो अपने क्या मुद्दे लेके आए हैं, क्या बातें करना चाह रहे हैं, सब चीज़ों को बताएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। तो आप जो है आज जो है यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है, सब भीड़ थी। हाँ। आज किस वजह से आए थे? वो नए साल की बधाई थी जी अखिलेश भैया को, हम लोगों को नए साल की बधाई, गुलदस्ता देना था जी जी, और अपने क्षेत्र के बारे में बताना था। चूँकि प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी के वहाँ पे कई हैं। अच्छा। तो भैया से यही कहना था मुझे कि जिसको भी भेजोगे जी, हम लोग उसको जिता करके, क्योंकि इस पार्टी में मेरा काफ़ी लगाव है जी, और मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ अल्पसंख्यक का जी, जी, और ये भैया की ही देन है जो मैं इस पद पर पहुँचा हूँ। और इस बार अखिलेश जी और प्रत्याशी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस बार जनता ही इलेक्शन लड़ेगी और इसका निस्तारण जनता ही करेगी। प्रत्याशी की कोई हैसियत नहीं कि वो जीते या हारे, मगर जनता जो भी प्रत्याशी समाजवादी का जाएगा, कैसरगंज नहीं पूरे प्रदेश में, यहाँ जहाँ प्रत्याशी होगा वो जीत करके आएंगे। और 400 के पार की ही लड़ाई है जी, जी, और समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की ही सरकार बनेगी, और हम लोग इसी उम्मीद में हैं कि इस बार सरकार अखिलेश भैया की लड़ेगी। आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो कठिनाइयां आपको 5 साल तक मिली हैं, उन कठिनाइयों से आप लोग बच जाएंगे और ये लॉकडाउन का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ये लॉकडाउन जो है, देखिए तीसरी लहर भी बता रहे हैं, सब कुछ देखिए मरीज पे असर नहीं होता है। पहले जो इनके बड़े नेता, उनको मालूम हो जाता है कि किसकी लहर है। तो हम लोग लहर से नहीं डरते हैं, हम लोग तो मुसलमान हैं और अल्लाह से ही डरते हैं, इंसान की बात कुछ नहीं है। मगर अखिलेश भैया सारी लहर काट देंगे और इस बार सरकार अखिलेश जी की बनेगी। इन्होंने 300 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दिया है, किसानों के लिए जो पानी का भराव खेत में लगता था उसको भी इन्होंने टोटल माफ़ कर दिया। महंगाई के ऊपर क्या कहना? महंगाई के ऊपर कहना चाहते हैं, 50 रुपया का पेट्रोल था, 100 रुपये में हम लोगों ने खरीदा है और 70 रुपया। जनता इसका सबक सिखाएगी, जनता इनका 100% सबक सिखाएगी। और ये जो डबल इनको आटा और तेलहन और तेल मिल रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता ने फैसला कर लिया है, मन बना लिया है और अखिलेश जी की ही सरकार बनेगी और हम लोग उन्हीं के उसके में लगे हुए हैं। जो जहां है हर आदमी अखिलेश, टिकट मिल जाता है आप जीत जाएंगे तो क्या कैसरगंज विधानसभा? नहीं, कैसरगंज का विकास होगा, फखरपुर का विकास होगा, फखरपुर में टाउन एरिया बनेगी। अच्छा। और कैसरगंज का विकास होगा, जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं उन सड़कों का भी विकास होगा। अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते? क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं कि आप अखिलेश की सरकार लाइए और आप सुकून की नींद सोइए। ना आपको खेत बचाना पड़ेगा कि जो खेत में बाबा टहल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी जी, जी। और जो गरीब आदमी है, किसानों को कहा कि दुगनी आय हो गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों की आय नहीं दुगनी हुई है, जनता की आय दुगनी हो गई है। अच्छा, अच्छा, और इसको किसान भी जानता है। हम लोग खाद खरीदते हैं, डाई यूरिया लेते हैं, उसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं। चलिए, चलिए। मगर रहा कि आने वाली सरकार जो है वो अखिलेश भैया की होगी और अखिलेश ही जीतेंगे, और इस बार उनको जनता ने मन बना लिया, जनता ही उनको ला करके जिता के बैठाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे लड्डन नेता जी जो है यहाँ पे कह रहे थे और सब चीज़ों को बता रहे थे जो है, और इसके लिए मैं जो है गिरजेश जायसवाल लखनऊ से, हंगामा टाइम्स। इनका नंबर दे दीजिए, वीडियो दे दीजिएगा।